हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे तो so, दोस्तों राजस्थान की स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल आ चुका है ऑल इंडिया का ऑलरेडी आ चुका था ऑल इंडिया का स्ट्रे वैकेंसी चालू हो चुका है और राजस्थान का स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल भी राजस्थान की वेबसाइट राजयू जी नीट दो हजार चौबीस पे आ चुका है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस शेड्यूल को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ बताने वाला हूँ कि क्या नई चीज है और क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना तो देखो ट्वेंटी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वही सेम प्रोसेस है पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों कंप्लीट करना जरूरी है और जिन बच्चों ने पहले रजिस्टर कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है यानी कि जिनको राउंड वन में भी कुछ नहीं मिला राउंड टू में भी कुछ नहीं मिला राउंड थ्री में भी कुछ नहीं मिला ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा था और ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या राउंड वन या राउंड टू में कॉलेज मिली हो और एग्जिट किया हो राउंड टू में एग्जिट किया हो किसी बच्चे ने राउंड टू में एग्जिट किया था तो सिक्योरिटी मनी गई उस बच्चे की और राउंड थ्री में उसको मान लो नोट अलोटेड है कुछ भी अलॉटेड नहीं है तब भी वो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल है राजस्थान के राउंड थ्री में अगर आपको अलॉट कॉलेज हो गई अब आपने उसको ज्वाइन किया चाहे नहीं किया आप राजस्थान की स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो राउंड थ्री में तो आपको अलॉटेड नहीं होना चाहिए नोट अलोटेड की सिचुएशन में आप स्ट्रे में एलिजिबल हो सकते हो राजस्थान में और राउंड वन एंड राउंड टू में कुछ नहीं मिला राउंड थ्री में कुछ नहीं मिला डायरेक्ट एलिजिबल हो राउंड वन राउंड टू में कुछ मिला था लेकिन राउंड टू वाली सीट को आपने छोड़ा राउंड वन वाली सीट छोड़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन राउंड टू वाली सीट छोड़ते हैं सिक्योरिटी मनी जाती है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो ऐसे बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है तो लास्ट डेट ऑफ डिपोजिटिंग एप्लीकेशन फीस छब्बीस तक है छः बजे तक लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 तक है ग्यारह पैंतालीस तक अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि एम वाले पिछले दो राउंड से यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं सुबह का टाइम रखते हैं अभी भी उन्होंने जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है एन ने वो छब्बीस अक्टूबर रखी है लेकिन सुबह के आठ बजे तक रखी है अब बच्चे आठ बजे तक उठते हैं और चॉइस फिलिंग एंड हो जाती है और लास्ट डेट उनको लगती है छब्बीस है अब बच्चों के माइंड में रहता है कि ग्यारह पैंतालीस या ग्यारह पचपन तक होता है हर बार वो देखते नहीं है नीचे की आठ ए एम भी लिखा है तो ये चीज़ आपको देखनी है कि देखो छः पी है छः पी तक पेमेंट कर सकते हो ग्यारह पचपन तक आप रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट कर सकते हो पार्ट टू वगैरह जो भी आपका बच रहा है सीट मेट्रिक्स आएगी पच्चीस को यानी कि कल आ जाएगी और मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी सत्ताइस को अब क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिन बच्चों ने नहीं कराया था उनको कराना है मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ रखा था सिक्योरिटी मैंने नहीं करवाया था तो आप करवा सकते हैं 25 से लेकर 27 तक 5 बजे तक दो दिन का आपके पास टाइम है फिर नीचे यहाँ पे है कि सिक्योरिटी मनी उनको जमा नहीं करानी, जिनको पहले से करा रखी थी जिनकी फोर फिट हुई है उन्हीं को कराना है चौबीस फिलिंग होगी पच्चीस से लेकर सत्ताईस तक यानी कि दो दिन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे ग्यारह पैंतालीस तक है ये भी ध्यान रखिएगा ऑटो लॉकिंग होती है अपन को लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती फॉलोइंग कैंडिडेट एलिजिबल इन एलिजिबल वैकेंसी राउंड मस्ट फिल चॉइस टू पार्टिसिपेट इन स्टेट वेकेंसी देखो स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश चॉइस फिलिंग ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन है इस बार राजस्थान का स्टेट वैकेंसी हर बार ऑफलाइन होता है इसके अंदर कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है मैंने बताया कि जिसको कुछ भी मिला नहीं वो एलिजिबल है रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो गोट अलॉटमेंट इन राउंड वन एग्जिट किया उन्होंने कोई सिक्योरिटी मनी उनका लॉस नहीं हुआ और रिजाइंड विदाउट फोर फीचर यानी कि गुणतीस से पहले कर दिया ये भी इलिजिबल हैं बट बेसरते उनको राउंड थ्री में कुछ भी नहीं मिला होना चाहिए यानी कि किसी बच्चे की सिक्योरिटी मनी फोरफिट नहीं हुई है और उसको राउंड थ्री में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो ऐसे बच्चे भी इलिजिबल है रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो गोट अलॉटमेंट अपग्रेडेड इन राउंड टू एंड डिड नॉट जो नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड थ्री ऑन रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने राउंड थ्री में दोबारा किया ऐसे बच्चे जिनको राउंड टू तो में कोई सीट मिली उसने उसको छोड़ दिया फिर राउंड थ्री में रजिस्ट्रेशन वापस से कराया और कुछ भी नहीं मिला तो वैसे बच्चे भी एलिजिबल है राउंड वन टू में मिला ना मिला उससे कोई मतलब नहीं है राउंड थ्री में आपको नोट अलोटेड होना जरूरी है और आपकी सिक्योरिटी मनी सिक्योर होनी चाहिए फोरफिटेड नहीं होनी चाहिए फोरफिटेड है तो अब करवा लो रजिस्टर सर वापस से डिपॉजिट करवा दो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ही री रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ही जो भी न्यूली रजिस्टर्ड होंगे वो भी एलिजिबल है और दोबारा से जिनकी फ़ोर फिट हुई थी वो भी रजिस्टर करा के आ सकते हैं कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग मस्ट फिल चॉइसेस इन गिविंग वही बात है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है और सभी की चॉइस फिलिंग कर रही है वर्चुअल वैकेंसी वगैरह ये बोल रहे हैं बाकी ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी अभी हो नहीं सकती स्ट्रे वैकेंसी में क्योंकि राउंड थ्री तक के बच्चे हैं ना वो अपग्रेड अप नहीं करा सकते आगे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो राउंड थ्री से स्ट्रे में अपग्रेड नहीं करा सकते तो वर्चुअल वैकेंसी कुछ ज़्यादा क्रिएट नहीं होने वाली वर्चुअल वैकेंसी बस वही होने वाली है कि पी वगैरह की है कोई सीट्स तो वो कन्वर्ट हो जाए बाकी ऐसा कुछ नहीं है इतनी कोई बस्ती भी नहीं है सीट डिफेंस पैरामिलिट्री और पी इन सारों को अट्ठाईस को आना है सुबह और एन कैंडिडेट है वो क्या है अट्ठाईस को जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटिंग 27 को हो जाएगी अब सबसे अलग चीज़ जो है वो इस बार क्या है कि इस ट्रेवेंसी में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है जो नाटक इन्होंने पहले किया था काउंसलिंग शुरू होने से पहले कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ सभी बच्चे फिर ये भीड़ देख के परेशानी देख के डर गए थे वापस हटा दिए थे वो भी इन्होंने स्ट्रे वैकेंसी में लगा दिया कि बच्चे कम हैं तो क्या करेंगे आपको 28 को बुलाएंगे 9 से 12 के बीच में जिन जिनको स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है और उनको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट ये जमा कर लेंगे ये डिपॉजिट करवाने हैं आपको डॉक्यूमेंट और ये उनको होल्ड कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट वहीं पे रख लेंगे आपको वापस नहीं देंगे अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा तीस को उसके बाद ही आपको देंगे ये रिजल्ट आएगा तीस को और तीस से चार तक आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और फीस आप तीस से लेके चार तक जमा करा सकते हैं और रिपोर्टिंग है वो चार से लेके पाँच तक ये इसमें गलत लिखा हुआ है आप तो ऐसा समझिए एक से लेके कर पाँच तक रिपोर्टिंग होने वाली है एक से पाँच अक्टूबर तक अब डॉक्यूमेंट आपको वापस कब देंगे ये एक तारीख को देंगे तीन तारीख को देंगे चार तारीख को देंगे ये तीन दिन है जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट देंगे दो तारीख को ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं अभी क्योंकि ए का मैं आपको बता देता हूँ ए की चॉइस फिलिंग अभी चल रही है ट्वेंटी सिक्स के एट ए तक है तो ए का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है ट्वेंटी नाइन अक्टूबर को और राजस्थान का कब आने वाला है थर्टी अक्टूबर को अब ब्लॉक तो ये करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑर्डर तो कभी मानते नहीं है खुद के बनाए हुए रूल ही कभी मानते नहीं है खुद के तो ट्वेंटी नाइन को किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हो जाएगी हो सकता है कि उसको राजस्थान में भी अलॉट हो जाए अब उसके डॉक्यूमेंट इन्होंने होल्ड कर रखे हैं अब डॉक्यूमेंट होल्ड कर रखे हैं रख रक रखे हैं अपने पास तो ये जिस बच्चे को अलॉट हो गई ना इसको वापस नहीं देंगे ये डॉक्यूमेंट तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों के लिए तो इसलिए ऐसे बच्चे जो सेफ रैंक के अंदर है जिनको मिलना तय है ऑल इंडिया में तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे राजस्थान में लिमिटेड चॉइस ही बनेंगे ताकि राजस्थान में उनको नोट अलोटेड हो ना तो वो डॉक्यूमेंट उनको एक नवंबर को वापस मिल जाए और यहाँ पे रिजल्ट आ गया ना तो यहाँ पे 30 अक्टूबर से ले कर चार या पाँच नवंबर तक यहाँ पे रिपोर्टिंग है तो अपन को क्या करना है जिस बच्चे को यहाँ पे अलॉट हो जाती है वो एक नवंबर को आके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ले ले और ऑल इंडिया में जमा करा दे तो ऐसे सेफ रैंक वाले बच्चे जिनको बढ़िया कॉलेज चाहिए वो क्या कर सकते हैं राजस्थान में लिमिटेड चॉइस भर सकते हैं और ऑल इंडिया में सारी चॉइसेस भर के आप यहाँ पे ले सकते हो कॉलेज नोट अलोटेड की सिचुएशन में राजस्थान वाले आपको वापस देने वाले हैं डॉक्यूमेंट बाकी कोई कंडीशन में आपको वापस देने वाले नहीं है चाहे कोई सी भी आपको कॉलेज मिले सीट काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है क्योंकि सीट ब्लॉकिंग हुई थी ए क्योंकि राउंड थ्री में जिन बच्चों को अलॉट हो गया था एंड ज्वाइन कर लिया था ऐसे बच्चों को भी इन्होंने सीट अलॉट कर दी थी राजस्थान के राउंड थ्री में तो ऐसे बच्चे काफ़ी बच्चे थे जिनको यहाँ से यहाँ अलॉटमेंट हुआ तो सीटें तो अच्छी खासी आने वाली है तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी अच्छी बनने वाली है राजस्थान में भी और ऑल इंडिया में भी 400 के अराउंड सीट आई है तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी आपकी जो सेफ रैंक वाले बच्चे हैं उनको अच्छी कॉलेज मिलने के चांस है पिछली बार की कंपेरिजन में कम अच्छी मिलेगी क्योंकि पिछली बार नौ प्लस सीट थी इस बार चार प्लस सीट है यानी कि हाफ सीट ही आई है तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको मैनेज करना है मैनेज ये करना है जो बच्चे सेफ रैंक में ट्वेंटी को वो उनको रिजल्ट आ जाएगा वो देख लेंगे रिजल्ट राजस्थान में उनको लिमिटेड चॉइस बननी है तीस को रिजल्ट आ जाएगा राजस्थान का कुछ भी अलॉट नहीं होना है तो डॉक्यूमेंट वहाँ से लेके ऑल इंडिया में जमा करा देने हैं या फिर ट्वेंटी नाइन को आपका अगर ये ब्लॉक करेंगे तो ट्वेंटी नाइन को क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद राजस्थान वाले ब्लॉक कर देंगे आपको ब्लॉक कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली दे ही देंगे आपको एक नवंबर को तब भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व है और बाउंड्री लाइन वाले बच्चे हैं उनको सोचना कुछ भी नहीं है उनको फुल फुल चॉइसेस बननी है दोनों टाइप से जो जो आपको चाहिए दोनों तरफ से आपको जो जो चॉइस आपको चाहिए सारी आपको भरनी है जिससे किधर भी मिल जाए आपको ले लेना है क्योंकि कॉलेज का इतना फर्क पड़ता नहीं है आप ये देखिए बस ये चीज ध्यान रखिए स्ट्री वैकेंसी की टिप्स आप ये ध्यान रखिए क्योंकि स्ट्री वैकेंसी में आपको अलॉटेड सीट आप नहीं लोगे तो एक साल के लिए डिबेयर कर दिया जाओगे आप नेक्स्ट ईयर आप नीट 2025 नहीं दे पाओगे आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी ही चॉइस भरो लिमिटेड चॉइस भरो जिनमें आप जा सको अब कोई बच्चा अंडमान निकोबार बर दे और अंडमान निकोबार वो जा ही नहीं पाए उसका मन खराब हो जाए फिर वो दो साल उसके खराब हो जाएंगे कोई मतलब नहीं है एक साल वो दे नहीं पाएगा फिर नेक्स्ट ईयर और तैयारी करेगा और कुछ बच्चे हैं वो जीमर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो भी मत भरिएगा जीमर्स है महात्मा गांधी वर्धा है ऐसी कॉलेज हैं जो हाई फीस वाली कॉलेज हैं तो इनको भी आप मत भरिएगा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो तो लिमिटेड चॉइस भरिएगा हैगा जहाँ पर आपकी रीच है जहाँ पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो ताकि इस वैकेंसी में आपको वही सीट मिले जो आपको चाहिए तो ये मैंने आपको बता दिया है राजस्थान के पूरे शेड्यूल के बारे में तो ये तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद